नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए, एक्यूरस एसेंडेंट्स के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में। सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन 10 मई 2023 को दिन बुधवार के दिन दोपहर 1:44 पर कर्क राशि में होने जा रहा है। ये जो गोचर है ये आपको क्या फल प्रदान करेगा, इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से आप मंगल ग्रह से मिलने वाली कोई निगेटिविटी को फेस करते हैं तो क्या उपाय करें, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए मंगल ग्रह आपके चार्ट के अनुसार आपके चार्ट में आपके सिक्स हाउस से गोचर करेंगे और कर्क राशि में जाकर के मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। डिबिलिटेटेड प्लेनेट हमेशा उसकी एनर्जी खराब हुई होती है, वह एनर्जी से परेशान होता है, एनर्जी उसकी बिगड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वह शुभ फल देने के साथ साथ अशुभ फल भी प्रदान कर देता है। या ये कहें कि जब एनर्जी खराब हो जाती है तो वह शुभता लाने की जगह पर अशुभता प्रदान कर देती है, ऐसा रिजल्ट भी यहाँ पर मिलता है, परंतु उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए भी बात करेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल के अंदर 10 मई से लेकर के 30 जून 2023 तक मंगल ग्रह आपके सिक्स हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल का गोचर बताता है कि इस समय में आपको यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान को केयरफुल रखना चाहिए और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करते हैं चलते चढ़ते उतरते समय विशेष तौर से अपने हाथों पैरों के लिए, विशेष तौर से पैरों के लिए आप केयरफुल रहें, पैरों में चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर बनती है, जलने कटने जैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी, उससे आप बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके जो शत्रु हैं वो आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, परंतु जब मंगल यहाँ पर आए हैं तो वे आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, आप उन्हें उकसाए नहीं तो वे चुपचाप शांत रहेंगे। अगर किसी कारण से आप शत्रु को उकसा देते हैं तो शत्रु फिर आपके ऊपर हावी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलेगा, परंतु इस समय में भी आप शत्रुओं को परास्त कर देंगे, ऐसी एनर्जी आपके पास प्राप्त होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में किसी प्रकार से अपने सिबलिंग्स और अपने पड़ोसियों से या नौकर चाकर से लड़ाई झगड़ा करना आपको हानिकारक रहेगा, उनसे किसी भी प्रकार से कोई गलती हो जाए, कोई बहसबाजी आप ना करें, जो हो गया कोई नहीं, 30 जून 2023 तक आप काफ़ी शांत रह कर के समय को निकालने का प्रयास करें। इस समय अंतराल के अंदर पर आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसी और आपके नौकर चाकर आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी में डाल सकते हैं, डालने कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो ऋण बहुत सोच समझ करके लें, देखिए ऋण इस समय में ना लिया जाए तो अच्छा है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित भी अगर आप देखें तो कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु उन्नति के अवसर जैसे आपको प्राप्त होंगे वैसे वैसे वहाँ पर कुछ ना कुछ एनिमी आपके साथ साथ लगे रहेंगे। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो या आपको प्रमोशन आपको मिल जाए, परंतु वहाँ पर कुछ एनिमी, ऐसे एनिमी जो आपको हानि पहुँचाना चाहते हैं वे हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकते हैं। तो इस समय में आपको जो मैं उपाय बताऊँगा उस उपाय को करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय आपको यात्राएं ना करने के लिए बोलूँगा, देखिए यात्राएं छोटी यात्राएं हो, लंबी दूरी की यात्राएं हो, इस समय में यात्रा करना आपको आपकी हेल्थ के लिए किसी प्रकार से अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस और आपके नेम फेम के लिए वो हानि यहाँ पर पहुँचा सकता है। किसी न किसी प्रकार से आपका धन, हो सकता है आपको यात्रा करें कोई चोट खरोच इत्यादि लग जाए और उसकी वजह से आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता दिखाई देता है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको यात्रा इस समय में नहीं करनी चाहिए, यात्राओं से बच के चले। फिर भी यहाँ पर ये संभावना बनती है कि हो सकता है आपके मैटरनल अंकल या आंटी के लिए, आपको आपके पड़ोसियों या आपके सिबलिंग्स के लिए या आपके नौकर चाकर के लिए आपको आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च करना पड़े, और अगर आपको किसी प्रकार से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे बीपी इत्यादि, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना या ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम की मेडिसिन कंटिन्यू लेते रहें, उसे छोड़े रहें, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम बड़ा अपना रूप, विकराल रूप धारण कर सकती है, उसके लिए बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ ये समय आपको क्रोध दिलाने वाला रहेगा, जो भी व्यक्ति मिलेगा आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करेगा और आप क्रोधित ना हो इसके लिए उपाय करना आवश्यक है। देखिए क्रोध आता अकेले है, जाता बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस करके है, आप देखते हो जब कभी तूफान आता है तो आता वो धीरे धीरे है, परंतु जब वह आकर के चला जाता है तो कितने ही घर, कितने ही मकान, दुकान, कितने ही सामग्री का
वस्तुओं का वह हानि कर जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। आपको कुछ लोग गुस्सा दिलाने की, क्रोध में डालने की चेष्टा करेंगे। आप अगर शांत रह करके, शांति से बैठ करके सोचेंगे तो आपका इस समय आसानी से निकल जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय निकलने के बाद आपके शत्रु अपने आप गायब हो जाएंगे। और अगर कोई शत्रु है भी तो इस समय में वह भी आपको किसी न किसी प्रकार से, हो सकता है ऊपर से दोस्ती करे और अंदर से आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में क्या उपाय किया जाए, इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, आप बिल्डर हैं, आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, फायर वर्क से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इसके साथ साथ अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आप उसमें फायर से कोई कार्य करते हैं और कोई मशीनरी इस समय में लेना चाहते हैं, तो इस समय में फायर ख़राब हुआ है, फायर बिगड़ा है, तो इस समय में मशीनरी ना ली जाए, बेहतर है। और जो मशीन आपके पास है, आप जिसे ऑपरेट करवाते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने आप भी ध्यान रखें कि वह जो मशीन ऑपरेट कर रहा है वह उस मशीन को ठीक से ऑपरेट कर रहा है या नहीं। अदरवाइज अगर वो उस मशीन को, जो फायर जनरेट करके मशीन से कुछ प्रोडक्ट बनता है, अगर वो सही से मैनेज नहीं करेगा तो वहाँ फायर बिगड़ने की वजह से कुछ मिसहैपनिंग होने की संभावना दिखाई देती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उसके विषय में बात करते हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको मंगल ग्रह की निगेटिविटी जो प्राप्त हो रही है उनसे बचने के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। एक पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको, घर पर करें तो भी चलेगा, ऑफिस में करें तो चलेगा, फैक्ट्री में करें तो चलेगा, मंदिर में करें तो अति उत्तम है। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको मंगल ग्रह से मिलने वाली जो निगेटिविटी है उससे आप बच पाएंगे और आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो मंगल का प्रिडिक्शन है यह ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर है। अब आपके बर्थ चार्ट के अंदर मंगल ग्रह किस पोजिशन में है, क्या वे शुभ ग्रहों के साथ हैं, शुभ राशि में है, मित्र राशि में है या एनिमी राशि में है, इसके साथ साथ क्या वे एनिमी प्लेनेट के साथ हैं या फ्रेंडली प्लेनेट के साथ हैं, किस नक्षत्र में है, कितने अंश पर है, क्या आपकी मंगल ग्रह की महादशा चल रही है या किसी ऐसे प्लेनेट की महादशा चल रही है जो मंगल का एंटी है या उसका फ्रेंडली प्लेनेट है, ये चीज़ें भी देखनी जरूरी होंगी। और उसी क्रम में आपको उसी परसेंटेज के अनुसार मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ अशुभ फल यहाँ पर इस ट्रांजिट के प्राप्त होंगे, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने उपाय बताया, अगर किसी प्रकार से मंगल ग्रह से मिलने वाली परेशानी को आप फेस करते हैं तो इस उपाय को आप करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।